हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिरी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है कि हम कई बार हम गॉड से प्रे करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं मिलता। तो क्या इसका क्या सलूशन है? क्या हमें आंसर मिलने की उम्मीद है या गॉड बिल्कुल ही नहीं सुन रहा हो या हमसे बिल्कुल नाराज़ है? क्या है, क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो इनका आंसर यही है, जब भी हम गॉड के पास जाते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा हु इज़ गॉड। कई बार हम भूल जाते हैं कि गॉड कौन है, हम गॉड को इंसान की तरह मानने लगते हैं। हमें कभी भी अगर कोई स्ट्रेंजर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें मदद कर दूंगा तो हमें उन पर बहुत बिलीव हो जाता है और उन पर बहुत ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या वही सेम ट्रस्ट या वही सेम बिलीव या यही सेम फेथ गॉड पे रखते हैं? जब भी हम गॉड के पास जाते हैं तो हमें ये चीज़ें याद रखना चाहिए। पहला तो ये कि गॉड जो है एक क्रिएटर है। हमने किसने बनाया है? गॉड ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें मैं देख रही हूँ या जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें गॉड का देन है। तो ही इज़ अ क्रिएटर। सेकेंड थिंग, ही इज़ अ हेवनली फादर। हमारे जो अर्थली फादर्स होते हैं हम उनको कितना प्यार करते हैं, है ना, और वो कितना हमसे प्यार करते हैं, वैसे ही हमारे जो गॉड हैं या जो परमेश्वर है वो हमारे हेवनली फादर हैं, परमेश्वर हैं, तो वो हमसे उतना ही फादरली लव करते हैं। थर्ड थिंग नेक्स्ट है कि वो उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल करके कुछ भी नहीं है। विथ गॉड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मतलब आपको लगता है कि जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अरे मुझे कौन पैसा दे सकता है, अरे मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो गई है, अब मेरे को कौन ठीक कर सकता है, तो वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी वो इंटरवीन और इंटरसीड कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारा चीज़ वो कर सकता है। नेक्स्ट थिंग है पावर। उनके हाथ में एक ऐसी शक्ति है। हाँ, फिर एक और चीज़, प्लीज़ मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड तक देखिएगा वीडियो, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। जीसस को भी, ही वॉज डेड बट उनको राइज किसने किया? इट वॉज गॉड हु डिड इट, है ना। तो इम्पॉसिबल गॉड के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा कि वो हम उनसे प्यार करने से ज़्यादा वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम अगर किसी को, अगर हम हमारे जैसे मेरे हस्बैंड हो गए या मेरे फादर हो गए, मदर हो गए, तो हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं या हम उनको बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, है ना। हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम उनको सबसे बेस्ट देना चाहते हैं। तो वही है गॉड के साथ भी। गॉड जब हमारे लिए बहुत कुछ करता है और कर सकता है, तो हम जब भी गॉड के पास जाएं, प्रार्थना करने जाएं, तो हम ये विश्वास होना चाहिए कि देखो मैं किसी और इंसान से नहीं हेल्प मांग रहा, है ना, या मांग रही, मैं गॉड से अपनी अपनी विषय को डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर जब हम ये सोच के चलते हैं तो हमारा जो बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारा चेंजेस होगा और डेफिनेटली गॉड आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। आपको लगेगा नहीं कि आपको हेल्प नहीं कर रहा है। शायद हो सकता है कि डिले हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो आपके भले के लिए ही है। कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल गॉड आपसे नाराज़ है या बिल्कुल आप गॉड नहीं सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके भले के लिए ही कर रहा है। तो यही थॉट के साथ गॉड पे हमेशा ट्रस्ट करें, उन पे भी बिलीव करें और उन्हीं को ही रिलाई करें, ठीक है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय।